फेवरेट गन। Hi guys, welcome back to my YouTube channel World of Nandita. Good afternoon. I think all of you guys are doing absolutely fine and I am also doing absolutely well. So I have started a new chapter of my life. और ये बात मैं किस लिए बोल रही हूँ वो जानने के लिए ये वाला व्लॉग आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा एंड तक। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड उसके बगल में जो बेल बटन है वो ज़रूर प्रेस करना, तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और वो वाला बेल बटन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है पूरा देखने के बाद तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो एज आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ, तो मैंने एक अच्छा वाला मेरी पसंद का येलो कलर मुझे बहुत सूट होता है, तो इसलिए मैंने एक येलो कलर का ये वाला पूरा थ्रेड वर्क है यहाँ पे येलो कलर का एक मतलब बहुत पुराना भी नहीं है बहुत नया भी नहीं है, तो एक कुर्ती मैंने पहन लिया और उसके साथ मैंने ये वाला इयर रिंग पहन लिया, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया, थोड़ा सा मतलब जब कोई भी काम आप लोग शुरुआत करते हो ना या फिर कुछ भी ऐसा होता है लाइफ में जिसके बाद आप नई तरह से शुरू करते हो ना, तो उसका शुरुआत कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब खुद को थोड़ा सा टाइम दिया और खुद को थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, एक का कुर्ती पहन लिया अच्छा सा और थोड़ा सा मतलब बिंदी लगा लिया, थोड़ा आईलाइनर, थोड़ा सा मेकअप कर लिया, तो इस तरह से कुछ नए शुरुआत होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें बिलीव करती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सज लिया आज। और हाँ, पूरा मतलब घर मैंने क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद सुबह ही मैंने सब कुछ क्लीनिंग वगैरह कर लिया और क्लीनिंग करने के बाद मैं नीचे गई, नीचे जाके फिर थोड़ा सा हर्डोस तो मैं कुकिंग नहीं करती हूँ लेकिन आज मैंने किया, उतना ज़्यादा कुछ नहीं किया, हाफ मम्मी जी ने किया हाफ मैंने किया, मैंने क्या क्या किया तो वो वाला आप लोग देख लो, तो उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. तो हम लोगों का लंच हो चुका है और बेटा को बस दो फिश ही दिया था और कुछ नहीं खाया उसने, कोई भी राइस वगैरह कुछ नहीं खाया, और मैंने भी थोड़ा सा ही बस राइस ले लिया। एक्चुअली मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट में चपाती और एक तड़का हुआ था, जो एक तड़का और चपाती, दो चपाती मैंने लिया था लेकिन एक ही खाया था और एक चपाती मैंने नहीं खाया था, तो वो वाला चपाती मैंने अभी खा लिया और थोड़ा सा बस राइस ले लिया था। और बेटा को भी एक मतलब थोड़ा सा मतलब दो ही फिश उसने खाया
और कुछ भी नहीं उसने खाया क्योंकि उसका पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो अभी देखती हूँ डॉक्टर के पास जाऊँगी कि नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी भी मैंने थोड़ा सा मेडिसिन दे दिया डाइजेशन का। तो अभी मैं जाऊँगी छत पे जाने के बाद बेटा को थोड़ा सा खेलना है, क्योंकि अभी क्या है ना, विंटर की मौसम में जल्दी मतलब सनसेट हो जाता है, तो इसलिए अभी जाऊँगी छत पे आने से छत से आने के बाद उसको थोड़ा सा सुला दूँगी, क्योंकि उसका तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अभी चलती हूँ छत पे और आप लोगों को भी ले चलती हूँ। Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it. तो अभी लूँगी थोड़ा सा रेस्ट, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगी और बेटा को भी सुला दूँगी, क्योंकि उसका भी तबीयत ठीक नहीं है। उसका पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, फिर भी मैंने मेडिसिन दे दिया। तो अभी मैं थोड़ा सा सो जाऊँगी और बेटा को भी सुला दूँगी, उसके बाद शाम के टाइम पे नीचे जाऊँगी, फिर चाय बनाऊँगी और क्या क्या करूँगी आप लोग देख ही लोगे। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। तो अभी मैं जाऊंगी चाय बनाने के लिए नीचे, और चाय पीते पीते आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी है। मैंने क्यों बोला व्लॉग की फर्स्ट में कि आई हैव स्टार्टेड अ न्यू जर्नी ऑफ माय लाइफ, वो वाला चाय पीते पीते आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखते रहो टिल एंड। मैं अभी बना रही हूँ चाय, हस्बैंड का है विदाउट शुगर और मेरा विद शुगर, तो दोनों कप मैंने ले लिया है। तो अभी चाय बनाऊंगी, बना रही हूँ। तो मैंने चाय पी ली है शाम का, और मेरा बेटा अभी भी सो रहा है क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। और यहाँ पे ना बहुत ज़ोर से माइक चल रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा मोबाइल को थोड़ा मतलब नज़दीक पकड़ के बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो पता नहीं कॉपीराइट क्लेम आएगा कि नहीं, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। और पिछले तीन दिन से चल रहा है, तो मेरा कोई ऑप्शन भी नहीं रहा कि मैं बाद में आप लोगों से बातें करूँ या फिर क्या, पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो अभी मैं जो मैंने सुबह आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि आई हैव स्टार्टेड अ न्यू जर्नी ऑफ माई लाइफ, वो क्यों मैंने बताया था वो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। पिछले मंडे से ना मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं रहा। तो क्या हुआ था, पहले मेरे गले में थोड़ा दर्द हो रहा था मॉर्निंग सुबह जब मैं उठी ना, ऑफिस का टाइम है और मैं जल्दी नहीं 8 बजे मैंने उठा, और बेटा का भी ऑनलाइन क्लासेस था 8:30 से, और मेरा ऑफिस भी स्टार्ट होने वाला था 9 से, और हस्बैंड का ऑफिस तो 7:30 से स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने जब सुबह देखा कि मेरा गले में थ्रोट पेन हो रहा है, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि तुम बेटा को लेके उस घर में रहो और मैं यही रूम पे रहती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसे गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। और तो पूरा दिन क्या हुआ था कि मेरा तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा था, और मैंने तो उन लोगों को बोल दिया, तो वो लोग भी उधर चला गया। फिर मैं दरवाज़ा बंद कर दी, मेरा बेटा छोटा है शायद वो आ सकता है मेरे पास, तो इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद करके ना पूरा दिन काम करती रही। तो शाम जब हुआ ना, तब ऐसा लग रहा था कि थोड़ा फीवर टाइप का आ सकता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, शाम जब हुआ ना तब मैंने एक पैरासीटामोल ली थी। और उसके बाद क्या हुआ, और पूरा दिन हस्बैंड जो मेरा ज़रूरत थी मतलब खाना पीना सब कुछ, गर्म पानी सब कुछ हस्बैंड ने दे दिया नीचे से लेके, क्योंकि हम लोगों का किचन जो है वो नीचे है, नीचे से लेके ऊपर मतलब मेरे पास दे दिया और मैंने ले लिया। और मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस में रह के ही मैंने ले लिया था, तो
फिर भी मैंने बोला कि तुम घर में मत आओ, तुम बाहर से ही दे दो मुझे, और मुझे थोड़ा सा मतलब एक दो बर्तन मेरा यहाँ पे ही रहता है, मतलब यहाँ पे ही मैं रख दूंगी और वो वाला बर्तन मैं उसे मैं धो के लेके आऊंगी। तो हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर भी मैं अकेले ही इस घर में थी और वो दोनों उस घर में था, मतलब जिस घर में हस्बैंड ऑफिस करते हैं ना, तो उसी घर में हस्बैंड और मेरा बेटा उसी घर में सोया था उस दिन। तो ट्यूसडे ना मेरा तबीयत और भी थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी उस दिन और पूरा दिन रेस्ट किया, फिर भेपर ले लिया, एक वेपराइजर था यहाँ पे, पानी सब कुछ, मतलब चाय पीना सब कुछ कर लिया था। तो अब मैं इस घर में ही थी, मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली, और जब मेरा वॉशरूम यूज़ करना था तब भी मैं जा रही थी, और उन लोगों को भी मैंने बोल दिया था कि ट्यूसडे रात को मैंने एक मेडिसिन लिया था फीवर का, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि फीवर आ सकता है, तो इसलिए तो मैंने एक पैरासीटामोल ले ली थी। और उसके बाद वेडनेसडे में मेरा पूरा तबीयत ठीक हो गया था। वेडनेसडे जब सुबह मैंने उठा तो मेरा पूरा तबीयत ठीक हो गया था, और ऐसा चलता रहा, मतलब मैंने किसी को घर घर के अंदर घुसने नहीं दिया, मैंने पूरा दरवाज़ा लॉक कर दिया। और हस्बैंड जब आ रहे थे मुझे खाना देने के लिए, तो उधर ही मैं जाके खाना ले रही थी और पूरा फेस में मास्क पहना हुआ था। ये ऐसा 99% मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ये ठंड की वजह से ही हुआ, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं था क्योंकि, और हस्बैंड ने बोला कि चलो एक टेस्ट करवा लेती हूँ। तो मेरा फीवर पूरा ठीक हो गया था, मुझे फीवर आया भी नहीं था जब मतलब ट्यूसडे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि फीवर टाइप का है, तो मैंने मेडिसिन भी ले ली थी। तो वेडनेसडे से मैं पूरा ठीक हो गई थी, मतलब कोई भी फीवर भी नहीं था, कुछ सर्दी खांसी कुछ भी नहीं था, सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने टेस्ट भी नहीं करवाया। फिर थर्सडे को भी मैं पूरा फिट, थ्री थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं पूरा फिट थी, कोई भी इशू नहीं था। थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना कि समटाइम्स क्या होता है कि जब तुम्हारा मतलब ठंड लगता है ना, उसके बाद थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाता है, तो मुझे भी थर्सडे को थोड़ा सा सर्दी जुकाम मतलब हो रहा था। तो उसके बाद मैंने भेपर ले लिया, फिर पानी गर्म पानी ही पीते रही, तो मेरा तबीयत पूरा ठीक हो गया था। तो आज जब संडे है तो आज मैंने सोचा कि नहीं और तो कुछ भी नहीं है, मतलब 3-4 दिन से मैंने कोई भी पैरासीटामोल भी नहीं लिया, मेरा कोई फीवर भी नहीं आया था, पूरा मैं ठीक हूँ, कोई भी वीकनेस भी नहीं, कुछ भी नहीं, शरीर में कोई भी दर्द बदन दर्द ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो पूरा फिट एंड फाइन हूँ। तो आज मैं घर से निकली और घर से निकलने के बाद मैंने पूरा मतलब जो मेरा रूम है वो पूरा मैंने क्लीन किया, सब कुछ, मतलब बेडशीट या फिर जो भी मैं यूज़ कर रही थी सब कुछ मैंने वॉशिंग मशीन में डाला। फिर मैं पूरा मतलब जैसे पूरा हेड बात करके पूरा मतलब क्लीन होके फिर सबके सामने गई। तो आज का दिन इसलिए मैंने बोला कि एक आई हैव स्टार्टेड अ न्यू जर्नी ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इस एक हफ्ते में ना मैं मेरे बेटे को मेरे पास आने नहीं दिया, वो भी मुझे मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा, मैं भी मिस कर रही थी उसको बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, आप समझ सकते हो आप लोग। और इस एक हफ्ते मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं उसके बिना रही हूँ और वो मुझे मेरे बिना रात को स्पेशली रहा। तो दिन में तो रहता ही है, ठीक है, मैं जब स्कूल में जाती थी, मैं स्कूल मतलब टीचर थी एक टाइम पे, तो जब मैं स्कूल में जाती थी उस मतलब पूरा दिन मेरे पास नहीं रहता था, फिर शाम के टाइम पे मेरे पास आते थे, लेकिन इतना दिन उसका बर्थ होने के बाद से इतना दिन वो मेरे पास ही थी, लेकिन अभी पहली बार हुआ है जो वो रात को मुझसे मतलब मेरे बगैर सोया है उसके पापा के पास। तो आज से ऐसा लग रहा है कि मैं एक हफ्ता जो घर के अंदर थी आज से मैं बाहर गई और आई हैव स्टार्टेड अ न्यू जर्नी ऐसा लग रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही थी कि ठीक है आज से ना मैं पूरा फिट एंड फाइन होके फिर पॉजिटिव होके फिर सब कुछ मतलब अभी पूरा ठीक हो गया। तो इसी के साथ और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि
क्या है क्या नहीं है, आप लोग टेस्ट से पहले तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो मैंने जैसे किया है ऐसा ही आप लोग अगर प्रोटेक्शन लोगे ना तो आपसे घर के और मेंबर्स भी सेफ रहेगा और आप भी जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला स्टोरी शेयर किया कि ये बहुत जानना ज़रूरी है कि कैसे मैंने ये वाला जो 7 डेज़ का जर्नी है कैसे मैंने किया, कैसे मैंने 7 डेज़ में कैसे मैंने और बाकी लोगों से दूर रही और उन लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रही थी और मैं भी जल्दी ठीक हो गई। मुझे 99% मुझे कोविड नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कोई चांसेस भी नहीं रखा। तो बहुत लंबा हो चुका है ये वाला व्लॉग, और अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, गिव योर वैल्यूएबल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टच द बेल बटन एंड नोटिफिकेशन ऑल को ऑन कर दीजिए। और बाय, गुड नाइट, और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ मैं, सब आप सब लोग सेफ रहो, हेल्दी रहो, और जो भी है करोना कारा या फिर पीते रहो, गर्म पानी पीते रहो। गुड नाइट, बाय, आई लव यू ऑल, बाय, टाटा।